हेलो फ्रेंड्स, मैं सी राकेश सिंगल, रिसर्च एनालिस्ट, और आपका स्वागत है हमारी वीकली सीरीज नेक्स्ट वीक बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक की। लास्ट वीक यानी जो वीक 4 मई से शुरू हुआ था, उस वीक में क्या क्या हुआ। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं FII और DII की सेलिंग और परचेजिंग की। तो जनवरी से अप्रैल तक FII ने जो सेलिंग की थी वो अभी भी मई में कंटिन्यू है। हालांकि अगर आप साइट पर देखेंगे, BSE की या NSE की साइट पर देखेंगे, तो वहां देखेगा आपको कि पॉजिटिव है, बट वो पॉजिटिव फिगर थोड़ी सी अगर आप उसको एक बीच में अभी GSK और HUL का एक ट्रांजेक्शन हुआ था 28,000 करोड़ का, तो उसकी वजह से वो फिगर पॉजिटिव आ रही है। अदरवाइज अगर उसको नेट करके देखें तो वो फिगर 10,000 करोड़ से लगभग नेगेटिव है। तो इसका मतलब FII ने अभी भी सेलिंग जारी है मई के महीने में। DII की बात करें तो DII ने मई के महीने में अभी तक 900 करोड़ से ज्यादा की बाइंग की है। तो देखना होगा ये FII की सेलिंग कंटिन्यू रहती है या नहीं। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर बात करें तो इस वीक में निफ्टी में कमजोरी ही देखी गई। निफ्टी मंडे ओपन हुआ था 9534 पर और उसके बाद फ्राइडे को 9252 पर क्लोज हुआ। तो निफ्टी ने, जैसा कि हमने आपको बताया कि 9400 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है और वो सपोर्ट निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया, तो जिसकी वजह से निफ्टी नीचे की तरफ आया और निफ्टी ने 9100 तक के लेवल चुने की कोशिश की। नेक्स्ट वीक में हमें लगता है कि निफ्टी एक ब्रॉड रेंज में ही रह सकता है, जो कि ब्रॉड रेंज वो 9600 से 9000 तक की रह सकती है, जो कि जिसमें कि 9550 से 9600 के लेवल पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और 9000 से 9100 का लेवल एक सपोर्ट का लेवल का काम करेगा। कोरोना वायरस का कंसर्न अभी कंटिन्यू है। ग्लोबली 40 लाख से ज्यादा कंफर्म केस हो चुके हैं और 2,75,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। इस वीक की अगर मैं बात करूं तो इस वीक में सबसे पहले 4 मई को हमारे निक्केई मार्केट मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े हैं इंडिया के लिए, जो कि 27.4 थे। हमारा फोरकास्ट 41 था और प्रीवियसली यानी मार्च के महीने में ये 51.8 थे। तो इसका मतलब बहुत ही वीक डाटा था। बिलो 50 का मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इन कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद 6 मई को इंडिया निक्केई सर्विस PMI के आंकड़े आए थे, जो कि केवल 5.4 थे, जो फोरकास्ट था 40 का और प्रीवियसली यानी कि मार्च में इट वाज 49.3। तो यह भी बहुत ही वीक डाटा है, यानी कि सर्विस सेक्टर में भी मेजर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस COVID-19। थर्सडे 7 मई को US जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए। इस वीक भी पिछले वीक के मुकाबले कम लोगों ने एप्लीकेशन फाइल की। इस वीक 3.169 मिलियन लोगों ने एप्लीकेशन फाइल की है, जो कि पिछले वीक 3.839 थी। तो अब टोटल एप्लीकेशन अभी तक COVID-19 की वजह से 33 मिलियन से ज्यादा की एप्लीकेशन अभी तक US में फाइल हो चुकी है। फ्राइडे 7 मई को इंडिया बैंक लोन ग्रोथ के आंकड़े आए, जिसमें कि 6.7 रहे, जो कि प्रीवियस मंथ में 7.2% थे। साथ ही डिपॉजिट ग्रोथ की आंकड़े आए, जो कि 9.8% रहे, जो प्रीवियस मंथ में 9.5% थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक में ट्यूजडे को 12 मई को इंडिया के CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। साथ ही वेडनेसडे को 13 मई को UK के GDP का डाटा आएगा, मार्च क्वार्टर का, मार्च। और साथ ही थर्सडे को 14 मई को US जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे और साथ ही साथ इंडिया के होलसेल प्राइस यानी WPI इंडेक्स के आंकड़े आएंगे अप्रैल के। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमारे चैनल टैक्स फॉर वेल्थ को देखते रहें और मार्केट्स और बिजनेस से रिलेटेड अपनी न्यूज लेते रहें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।